नमस्कार, मैं हूं शिवानी धड़ाधड़। 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक की प्रमुख खबरों को। मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का दिल्ली के एम्स अस्पताल में निधन हो गया। 10 अगस्त को जिम में उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, इसके बाद उन्हें एम्स दिल्ली में भर्ती किया गया था। इलाज के दौरान उनकी तबीयत में सुधार भी की खबर भी आई थी, लेकिन अब उनके निधन की दुखद खबर ने सबको बड़ा सदमा दिया है। राजस्व विभाग ने 4,235 लोगों को ज्वाइनिंग लेटर को लेकर बिहार में सियासी तूफान चल रहा है। इसको लेकर बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने सीएम नीतीश पर हमला बोला है। संजय जायसवाल ने सीएम नीतीश पर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश जी अब अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए झूठ और फरेब का सहारा भी लेने लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में नौसेना के नए झंडे का अनावरण किया, जिस पर से अंग्रेजी हुकूमत की निशान रेड क्रॉस को हटा दिया गया। अब सेना में जारी उन सभी परिपाटियों को खत्म करने की तैयारी चल रही है जो हमें अंग्रेजी शासन की याद दिलाती है। आने वाले समय में सैनिकों की वर्दी समारोहों के साथ साथ रेजिमेंटों और इमारतों के नाम में भी परिवर्तन देखने को मिल सकता है। बिहार डीजीपी की अध्यक्षता में ईस्टर्न रीजनल पुलिस कोऑर्डिनेशन की बैठक बुधवार को हुई। इस बैठक का उद्देश्य देश के पूर्वी राज्यों में सक्रिय नक्सली समस्या के निराकरण के लिए बेहतर समन्वय स्थापित करना और अपराध नियंत्रण पर चर्चा करना रहा। बैठक में झारखंड, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के डीजीपी शामिल हुए। गुजरात में विधानसभा चुनाव में अभी 3 महीने की देरी है। चुनाव तारीखों के ऐलान से पहले ही यहां पर 4 जोड़ पकड़ चुका है, तो पार्टियां अपना जनाधार बढ़ाने में जुटी हुई हैं। इस बीच भरूच में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं समेत करीब 300 मुस्लिम मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। बीजेपी विधायक अरुण सिन्हा राणा ने नए सदस्यों का स्वागत किया। गया में पिंडदानियों को लेकर जा रही बस हादसे का शिकार हो गई। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। दुर्घटना इतना जबरदस्त था कि बस के परखच्चे उड़ गए। हादसे में बस सवार 12 से अधिक लोग घायल हो गए। घटना आमस के हमजापुर मोड़ के पास जीटी रोड पर हुई है। कांग्रेस नेताओं ने मंगलवार को दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मुलाकात की और आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार शहर में सार्वजनिक शौचालयों का प्रबंधन गैर सरकारी संगठनों की जगह पर एक प्रतिबंधित कंपनी को सौंपने की योजना बना रही है। नीतीश कुमार के आदेश पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने 2 घंटे के अंदर ही अमल करते हुए भूमि सर्वे के लिए 2500 से कर्मचारियों अधिकारियों की बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी है। संविदा पर 226 विशेष सर्वेक्षण लिपिक, 240 विशेष सर्वेक्षण कानून को तथा 1944 विशेष सर्वेक्षण अमीन की बहाली की जाएगी। 1-2 दिन में बहाली का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। यूपी की योगी सरकार ने वक्फ बोर्ड का 33 साल पुराना शासनादेश रद्द कर दिया है। वक्फ के नाम पर बंजर, ऊसर, भीटा जैसी सार्वजनिक संपत्ति को हथियाने वालों की मनमानी अब नहीं चल पाएगी। प्रदेश की योगी सरकार ने 7 अप्रैल 1989 को इस बाबत जारी एक विवादित शासनादेश को निरस्त कर दिया है। अपने विरोधियों पर मानहानि का मुकदमा करने वाले पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के ऊपर ही अब मानहानि का मुकदमा ठोक दिया गया है। राज्य के खनन मंत्री डॉक्टर रामानंद यादव ने भाजपा के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी के खिलाफ मानहानि का परिवाद दायर किया है। इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड रूरल टेक्नोलॉजी IERT में BTEC के छात्र छात्राएं अब मेजर के साथ माइनर डिग्री भी ले सकेंगे। माइनर डिग्री में विद्यार्थियों को कई विषय पढ़ने की सुविधा दी गई है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, डाटा साइंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स होंगे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने PG में शुरू होने वाले दाखिले को अग्रिम आदेश तक स्थगित कर दिया है। PG में दाखिले के लिए नई तिथि जल्द जारी की जाएगी। PG में प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन मोड में होगी। यह निर्णय इसलिए लिया गया है ताकि दूर दराज के अभ्यर्थी छात्र प्रवेश प्रक्रिया में आसानी से शामिल हो सके। ऑस्ट्रेलियाई पारी के दौरान उमेश यादव ने दूसरा ओवर डाला, हालांकि उनका पहला ओवर महंगा साबित हुआ। कैमरन ग्रीन ने लगातार गेंदों पर 4 चौके जड़ दिए। इस दौरान ओवर की दूसरी गेंद पर जब ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ने चौका मारा तो कैमरे में विराट कोहली का रिएक्शन नजर आया और इस दौरान कोहली काफी परेशानी में नजर आ रहे थे। रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि भारतीय निर्माताओं को यह बताना होगा कि वे चीन कंपनियों के साथ काम नहीं कर रहे हैं। हाल ही में सेना को दी जाने वाली जैकेट्स में भारी मात्रा में चीनी माल शामिल होने पर विवाद खड़ा हो गया था। तटरक्षकों की तरफ से जारी ताज़ा टेंडर में खासतौर से चीन से आने वाले कच्चे माल के इस्तेमाल पर प्रतिबंध की बात कही गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन के दौरान एक द्विपक्षीय वार्ता के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को शांति का पाठ पढ़ाया था। कई पश्चिमी देशों ने इसके लिए पीएम मोदी की सराहना की है। इस मुद्दे पर सबसे पहले अमेरिका का बयान सामने आया था। वहां के मीडिया में भी प्रधानमंत्री ने खूब सुर्खियां बटोरी।
कर्नाटक सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ईरान में हिजाब के खिलाफ चल रहे महिलाओं के आंदोलन का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि शरीयत से चलने वाले देशों में भी इसके खिलाफ गुस्सा दिख रहा है। कर्नाटक के शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर पाबंदी को लेकर बीते 8 दिनों से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। स्पाइस जेट ने अपने 80 पायलटों को 3 महीने के लिए बिना वेतन अवकाश पर भेज दिया है। गुरुग्राम की विमानन सेवा कंपनी ने मंगलवार को कहा कि यह कदम लागत को सुसंगत करने के लिए अस्थायी उपाय के तहत उठाया गया है। स्पाइस जेट ने बयान में कहा कि यह उपाय एयरलाइन की किसी कर्मचारी को नौकरी से बाहर नहीं करने की नीति के अनुरूप है। असम के शिक्षा मंत्री रनोज पेगू ने बुधवार को कहा कि असम सरकार मौजूदा कानून के तहत राज्य के सभी निजी मदरसों को नियंत्रित कर सकती है। बता दें कि कई मदरसों के शिक्षकों के आतंकी संगठनों से कथित संबंधों के बाद उनकी गिरफ्तारी की गई, जिसके बाद इसे लेकर चर्चाएं जोर पकड़ने लगी हैं। मशहूर हास्य कलाकार एवं नेता राजू श्रीवास्तव का दिल्ली के एम्स में बुधवार को निधन हो गया। राजू श्रीवास्तव के निधन से आज सारा देश गमगीन है। श्रीवास्तव के निधन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी समेत कई शीर्ष नेताओं ने गहरा दुख व्यक्त किया है। राजू श्रीवास्तव के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गहरा शोक व्यक्त किया है। अब सुप्रीम कोर्ट में होने वाले सभी मामलों की सुनवाई का सीधा प्रसारण देश की जनता देख सकेगी, चाहे वह जनहित का मामला हो या देश हित और संविधान से जुड़े मामले। सबकी सुनवाइयों का सीधा प्रसारण 27 सितंबर से किया जाएगा। यह फैसला मंगलवार को ही ले लिया गया था। एक आयुर्वेदिक डॉक्टर जो एक यूट्यूबर, ब्लॉगर और गायक भी हैं, केरल के प्रसिद्ध गुरुवायूर मंदिर के अगले प्रधान पुजारी या मेल शांति बनने जा रहे हैं। पिछले हफ्ते बहुत से द्वारा गुरुवायूर मंदिर के अगले मेल शांति के रूप में चुना गया। देश में पिछले 24 घंटों के अंदर कोरोना के 4,510 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 5,640 लोग कोरोना के संक्रमण से ठीक भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना के कुल एक्टिव मामलों की संख्या 46,216 हो गई है। देश में कोरोना की पॉजिटिविटी रेट 1.33% है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं के साथ कोच्चि से भारत जोड़ो यात्रा बुधवार को 14वें दिन भी फिर से शुरू किया। कोच्चि जिले में मौजूद नेताओं ने सुबह 6:45 बजे मदवाना से यात्रा शुरू की, जहां से नेता सुबह 13 किलोमीटर चलकर एटापल्ली तक जाएंगे। वेडिंग फोटोग्राफर आमतौर पर अपने विषयों को सही फ्रेम में कैद करने के लिए बहुत अधिक प्रयास करते हैं। केरल में एक फोटोग्राफर की ऐसी ही एक कोशिश अब इंटरनेट सेंसेशन बन गई है। इस बीच दुल्हन के चेहरे पर मुस्कान देखी जा सकती है। क्लिप को इंस्टाग्राम हैंडल एरो वेडिंग कंपनी द्वारा साझा किया गया है। राजस्थान के जयपुर में मंगलवार को बीजेपी ने अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ लंपी वायरस को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। राजस्थान में सोमवार तक लंपी वायरस से संक्रमण 59,027 पशुओं की मौत हो चुकी है और 13,02,907 पशु इस संक्रमण से प्रभावित हैं। आपको बता दें कि लंपी महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में फैल चुका है। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव करीब है और इसके लिए संभावित उम्मीदवारों में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम भी सामने आया है। सचिन पायलट ने मीडिया से कहा कि कांग्रेस में कोई भी व्यक्ति दो पदों पर नहीं रह सकता। पीएम नरेंद्र मोदी जल्द ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पर अंतिम फैसला लेंगे। यह योजना 30 सितंबर को समाप्त होने वाली है। ऐसे में क्या इस योजना का विस्तार किया जाएगा या फिर सरकारी वित्त और खाद्य आपूर्ति पर तनाव को कम किया जाएगा, इसका फैसला जल्द ही हो जाएगा। विदाई से पहले देश के कुछ राज्यों में मानसून की आखिरी बारिश देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2-3 दिनों में राजधानी दिल्ली, NCR, UP, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, बिहार समेत देश के कई राज्यों में झमाझम बारिश की संभावना है। टाइम्स ऑफ इंडिया पर छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में जल्द ही 2 नई कोरोना वैक्सीन उपलब्ध होंगी। ये दोनों ही वैक्सीन पूरी तरह से मेड इन इंडिया है। टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह के अध्यक्ष डॉक्टर एन के अरोड़ा ने मंगलवार को TOI को बताया कि 2 नए मेड इन इंडिया टीके जल्द ही कोविन पर उपलब्ध होंगे, एक mRNA शॉर्ट और एक इंट्रानेसल वैक्सीन। टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की रोड एक्सीडेंट में मौत के बाद सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने रियर सीट बेल्ट रिमाइंडर को अनिवार्य करने पर एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। इस ड्राफ्ट नोटिफिकेशन पर 5 अक्टूबर तक पब्लिक की राय मांगी गई है। पब्लिक कमेंट के आधार पर ड्राफ्ट में बदलाव किया जा सकता है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है राकेश कुमार, मोहम्मद नौशाद, अर्जुन राम, राजा मंडल, के सिन्हा, मुच्चू रंगीला, मोहम्मद तमन्ना और वैद्यनाथ राउत। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि राजू श्रीवास्तव की वो कौन सी बात जो आपको बेहद पसंद थी। अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबर के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।